जय बजरंगबली। प्रिय दोस्तों, आज पुनः आप लोगों का हमारे भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को गज केसरी योग के 12 राशियों में क्या फल देते हैं और आप स्वयं जान सकते हैं कि गज केसरी योग कैसे बनता है 12 राशियों में। यह आप अपने कुंडली में स्वयं देख कर जान सकते हैं। प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही कम योग बनता है कुंडलियों में, यह जो आपको मैं योग बताने जा रहा हूं। जैसे कि गज केसरी योग किसी राशि का क्या फल मिलता है और क्या फल देता है, ज्योतिष के हजारों प्रकार के योग मिलते हैं, उसी में से एक गज केसरी योग है। यह योग मूल बृहस्पति और चंद्रमा के सहयोग से बनता है। गज का अर्थ है हाथी और केसरी का मतलब है सिंह। जिस प्रकार से गज और सिंह आपस में संग्रह शक्तिमान है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में गज केसरी योग भी व्याप्त होता है और वह बहुत ही ताकतवर व्यक्ति बनता है। उच्च पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद प्रतिष्ठा सम्मान इत्यादि प्राप्त करता है। जैसे कि मेष राशि में लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल का गुरु व चंद्रमा दोनों संबंधित है, अच्छा रखते हैं। इस राशि में गज केसरी योग से जातक सहित शक्तिशाली होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है एवं वाद विवाद में महारथी प्राप्त होता है। गुरु महत्वाकांक्षाओं और राजनीति से जुड़े ग्रह। इसमें मेष राशि वाले को गज केसरी योग राजनीतिक में सफलता मिलता है। आप लोगों को इस योग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धन की प्राप्ति होती है। वृष राशि, इस राशि का स्वामी शुक्र है एवं चंद्रमा तृतीय व गुरु अष्टमे तथा लग्नेश होता है। इस लग्न में गज केसरी योग बनने का व्याप्ति हो को धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, स्वाभाविक सदस्यता रहती है, परोपकार की भावनाएं मन में विद्यमान रहती हैं। गुरु अक्षा स्थिति हो तो धन का लाभ होता है एवं भूमि का आदि मिलते हैं। चंद्रमा पराक्रमी होने के कारण आप अपने बलबूते से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वृष राशि के जातकों में यदि ऐसा योग बनता है। तीसरा है मिथुन राशि। इस लग्न का स्वामी द्वितीय एवं गुरु सप्तमेश दशमेश है। गुरु चंद्रमा युक्त से बनने वाले गज केसरी योग काफी लाभकारी सिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे का हित करने वाले प्रतिभावशाली होते हैं। गुरु दशमेश होकर अच्छा योजनाएं में बैठता है। मिथुन लग्न में बनने वाले गज केसरी योग राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। नंबर चार है कर्क। जब कर्क लग्न में कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है तो जातक विद्वान होता है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाते हैं वह लोकप्रिय होते हैं, संस्कारी होते हैं हो जाते हैं और अपने को साथ लेकर अच्छे विश्वास पात्र होते हैं। यह लोग सत्य का साथ देने वाले विश्वास पात्र होते हैं। इनकी लगभग हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कर्क राशि के जातकों का गज केसरी योग ऐसे बनता है। प्रिय दोस्तों, आप यदि इस आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो निश्चय ही आप अपने योग देखें। सिंह राशि। सिंह लग्न की कुंडली में बनने वाले गज केसरी योग बहुत अच्छे सफलदायक होते हैं। यह योग सिंह राशि में सामान्य शक्ति देने वाले होते हैं, शत्रुओं का नाश कराने वाले होते हैं, राज सुख दिलाने वाले होते हैं, जीवन के प्रति आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले होते हैं, घूमने फिरने की शौक बना रखते हैं, प्रत्येक की प्रतिभा को समझने वाला होता है। इस लग्न में जन्मे व्यक्ति को संस्कार की अनुसार शक्तियों से लड़ने का ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। यह सिंह राशि के योग बनते हैं। यदि सिंह राशि के लग्न से योग बनते हैं तो निश्चय ही वह व्यक्ति सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। अब आते हैं कन्या राशि, छठवीं जो राशि। इस लग्न में जन्मे जातकों को लिखे गज केसरी योग में लाभकारी सिद्ध होते हैं। जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होता है, जिसमें निर्भक्त बौद्धता, सहायता, धार्मिकता, सामाजिकता, न्याय प्रीति आदि होती है। गुरु चतुर्थ व सप्तमेश में हो, चंद्रमा लाभ भाव का हो का मालिक हो होता है, जिस कारण से कन्या लग्न में बनने वाले गज केसरी योग का युवा अवस्था में फल मिलने की संभावना होती है और संभावना बन जाती है। यदि योग ऐसे बनते हैं तो निश्चय वह
कन्या राशि का जातक निश्चय ही सफलता प्राप्त करेगा। अब आते हैं सातवीं राशि तुला है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु तृतीय व षष्ठेश होते हैं एवं चंद्रमा दशम भाव में का मालिक होता है, इसलिए लग्न में बनने वाले गज केसर योग मिलजुल कर लाभ देने वाले होते हैं। यह व्यक्तिगत अपने जन्म निवास दूर दराज प्रदेश का विदेश में जाकर धन की प्राप्ति करता है। जातक स्वयं में शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली बन जाता है। यदि आपकी कुंडली में तुला राशि के लग्न में यदि तुला राशि की कुंडली में यदि ऐसे योग बनते हैं तो निश्चय ही वह सफलता प्राप्त करेगा। वृश्चिक राशि आठवीं राशि है। इस लग्न में जातक को योग बनने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कुशल होता है एवं अपने जीवन को व्याप्त करता है, सहायक कार्यों में विजय हासिल करता है। ऐसे जातक पुलिस, मेडिकल, वायुसेना आदि क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करते हैं। यह लोग अपने सुझाव के कारण काफी चर्चित होते हैं और काफी विख्यात हो जाते हैं। यदि उनकी ऐसी कुंडली में योग बनता है तो निश्चय ही वह सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिय दोस्तों, अब आप लोगों को अगली राशि जो है वह आप लोग को बताने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, आप लोगों को अब हम धनु राशि को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो धनु राशि के योग बनते हैं वह आप लोगों को हम विशेष उसमें अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे कि धनु राशि में गज के श्री योग कैसे बनता है और क्या फल देता है, क्या लाभ देता है। प्रिय दोस्तों, ये आप लोग इसे जरूर देखें और नीचे लिखे हुए को निश्चय ही पढ़ें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कुंडली सीखने के बाद यह योग बनते हैं। कुंडली देखने के लिए बहुत अच्छे योग होते हैं। गज के योग सबसे विशेष योग है। जय श्री राधे।